हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एग्ज़ाम फेयर की बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो अब आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देंगे या जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको घबराहट बेचैनी की प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो जो है आप देखें, और इसको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, होम एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, और इस एग्ज़ाम की वजह से आपको घबराहट बेचैनी होती हो, आपको डर लगता है, एग्ज़ाम फियर है, एग्ज़ाम फोबिया है, तो इस तरह के अगर आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स जो हैं आपके बिल्कुल ख़त्म होंगे। कुछ लोगों में जो है, जब वो एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उनका जो ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, शिवरिंग होने लगती है, हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है, बेचैनी होने लगती है उनको, और कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, और घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ लोगों को तो वॉमिट भी फील होता है, उल्टी सी आने लगती हैं, उनका जी मिचलाने लगता है और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगती है, हेडेक हो जाता है, जिसको टेंशन हेडेक कहते हैं। इस तरह के सिम्टम्स बॉडी के अंदर होने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि वो अपने जो पेपर होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और उसके बाद भी जो उनके मार्क्स हैं वो प्रॉपर नहीं आते, क्योंकि वो एग्ज़ाम फियर बहुत ज़्यादा उन लोगों में होता है, और वो एग्ज़ाम फियर की वजह से जो है, जो उन्होंने याद किया होता है उसको भी वो भूल जाते हैं, और जो जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में होना चाहिए वो परफॉर्मेंस उनको नहीं मिलती, वो मार्क्स उनको नहीं मिलते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम रहते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आराम से जो है अपना एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं और उसको बहुत ही कूल माइंड से उसका जो है आंसर देते हैं। तो इन लोगों के जो देखा भी होगा आप लोगों ने कि उनके मार्क्स जो हैं अच्छे होते हैं। तो अब जिन लोगों को इस तरह का एग्ज़ाम फोबिया या एग्ज़ाम फियर की प्रॉब्लम है, तो मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। आप जिस दिन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, उस दिन एग्ज़ाम से या घर से जाने से पहले आपको इस मेडिसिन को लेना है। 2 से 3 बूंदें इसकी अपनी जीभ के ऊपर डाल लेनी है, और इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से करीब 1 घंटा पहले, मतलब जब आप अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे, उस टाइम पर आप 2 से 3 बूंदें इस मेडिसिन की अपनी टंग के ऊपर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल काम रहेंगे, किसी तरह की आपको घबराहट नहीं होगी, किसी तरह की आपको जो है रेस्टलेसनेस नहीं होगी, कोई आपको किसी तरह का फियर नहीं होगा, और आप देखेंगे आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे, और आपका जो मार्क्स है, अगर आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, तो आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आएंगे। इसमें पढ़ना मेहनत करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो माइंड से रिलेटेड जो होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको काम रखने के लिए, कूल रखने के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी फियर फोबिया है, रेस्टलेसनेस है, या किसी और तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं, तो उन सिम्टम को से आपको जो है पूरी तरह से क्योर मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट 30। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक्स एंड टेक केयर।